नमस्कार दोस्तों, इंडिया आईक्यू में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब भी चुनाव प्रचार के लिए गुजरात में लोगों के बीच पहुंचती थी तो साड़ी के पल्लू से सिर ढांकना नहीं भूलती थी। वे खुद को हमेशा गुजरात की बहू बताती थी। इंदिरा नेहरू से गांधी तब बनी जब उन्होंने गुजरात के पारसी युवक फिरोज से शादी की। लेकिन राजनीति में धर्म का चट्टा बट्टा तो नेहरू परिवार भी लगाता था। ऐसे में अगर पारसी फिरोज से इंदिरा शादी करती तो नेहरू को राजनीतिक मुश्किल हो जाती। आखिर इस समस्या का समाधान महात्मा गांधी ने निकाला और भारतीय राजनीति में आने वाले भूचाल को रोकने के लिए गांधी जी ने इन दोनों के नाम के साथ गांधी जोड़ दिया, यानी कि इंदिरा नेहरू से गांधी हो गई और फिरोज जो पारसी थे उनके नाम के साथ भी गांधी लग गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, न तो फिरोज गांधी थे और न ही इंदिरा गांधी थी। इन दोनों के नाम के साथ महात्मा गांधी ने गांधी उपनाम जोड़ा था और इसके बाद में ये परिवार गांधी परिवार के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। देश में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, बचपन का नाम प्रियदर्शिनी था। 19 नवंबर 1917 को यूपी के इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ। उनके घर का नाम इंदू था और वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। इंदिरा का नाम उनके दादा पंडित मोतीलाल नेहरू ने रखा था और इंदिरा का मतलब होता है, यानी कि जो प्रियदर्शिनी बचपन का नाम था उसका मतलब था कांति, लक्ष्मी या शोभा। वहीं 12 सितंबर 1912 को मुंबई के फोर्ट तैमूलजी नरीमान हॉस्पिटल में जन्मे फिरोज मूल रूप से गुजरात के पारसी थे। फिरोज के पिता का नाम जहांगीर था। फिरोज के पिता जहांगीर मरीन इंजीनियर की पढ़ाई के बाद मुंबई शिफ्ट हो गए गुजरात से, जिसकी वजह से फिरोज का जन्म भी मुंबई में ही हुआ। परिवार में 5 संतानें थीं जिसमें फिरोज सबसे छोटे थे। जहां उनकी पिता की मौत हो गई तो फिरोज की माँ सभी बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर, यानी कि इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आ गई। फिरोज ने इलाहाबाद से ही कॉलेज की पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई के लिए वे लंदन चले गए। उस वक्त इंदिरा भी वहीं पढ़ाई कर रही थी। दोनों के बीच वहाँ पहचान बढ़ी, दोस्ती गहरी हुई। कहते हैं कि इंदिरा और फिरोज की पहली मुलाकात 1930 में हुई। दरअसल मार्च 1930 में इंदिरा की माँ कमला नेहरू इलाहाबाद में एक कॉलेज के सामने धरना दे रही थी और वहीं पर बेहोश हो गई। फिरोज गांधी ने उस वक्त उनको वहाँ पर सहारा दिया, घर लेकर आए, फिर वहाँ सेवा की। फिर इस बहाने फिरोज इंदिरा के घर आते जाते रहे। इंदिरा के पिता पंडित नेहरू अपना ज़्यादातर समय घर से बाहर बिताते थे, कभी जेल में, कभी स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर पूरे देश में इधर उधर आना जाना होता था। घर में कमला नेहरू की अब तबीयत भी खराब रहने लगी थी, लिहाजा फिरोज उनके घर आते जाते रहते थे। इंदिरा और फिरोज अकेले में होते थे तो मिलते, बैठते, बातें करते। फिरोज के इस सेवा भाव को देखकर इंदिरा उसकी ओर काफ़ी आकर्षित हुई और फिरोज तो पहले से ही इंदिरा को पसंद करते थे। कहते हैं कि फिरोज ने पहली बार इंदिरा को तब प्रपोज किया जब इंदिरा सिर्फ 16 साल की थी। हालांकि उस वक्त इंदिरा ने मना कर दिया था, लेकिन भीतर खाने इंदिरा फिरोज को पसंद करती थी। लेकिन इसके 3 साल बाद 1936 में माँ की मौत हो गई, यानी कि 1933 में पहली बार प्रपोज किया, 1936 में माँ की मौत हुई तो इंदिरा काफ़ी उदास हो गई। तब उन्हें फिरोज के कंधों ने ही सहारा मिला था और इस वजह से दोनों के बीच में और करीबी बढ़ गई। इसके बाद दोनों विदेश में पढ़ाई करने गए तो वहाँ भी इनकी मुलाकात होती रहती थी। फिरोज उस वक्त लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर रहे थे। 1942 में दोनों ने शादी का प्लान बनाया और इसकी जानकारी पंडित नेहरू को भी दी। उस वक्त नेहरू देहरादून की जेल में बंद थे। नेहरू इस शादी के पक्ष में नहीं थे। उधर इंदिरा के डॉक्टरों ने इंदिरा को भी स्वास्थ्य को देखते हुए शादी करने से मना कर दिया था। दरअसल इंदिरा शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर थी, इसलिए डॉक्टरों ने कहा था कि उसके लिए शादी के बाद गर्भ में बच्चे को पालना बेहद मुश्किल है, इसलिए बेहतर होगा कि शादी ही न करे। लिहाजा नेहरू ने भी विरोध जताते हुए उस वक्त अलग धर्म का हवाला नहीं दिया। नेहरू ने भी स्वास्थ्य का तर्क दिया। नेहरू भी समझे कि अगर मैं स्वास्थ्य का तर्क दूंगा तो हो सकता है इंदिरा मान जाए और एक पारसी लड़के से शादी न करें। आखिर 1942 में इलाहाबाद में दोनों ने शादी की। इंदिरा अपनी मर्जी पर अड़ी रही। 1944 में इंदिरा को पहली संतान हुई, नाम रखा गया राजीव। यहाँ एक बात ये भी देखने वाली है कि जिस इंदिरा को डॉक्टरों ने शादी करने से भी मना कर दिया था, उस इंदिरा ने एक की बजाय दो दो बच्चों को जन्म दिया। लेकिन शादी के बाद जब इंदिरा राजनीति में सक्रिय होने लगी और अपने पिता पंडित नेहरू की सेक्रेटरी बन गई तो फिरोज के साथ रिश्ता कमज़ोर पड़ने लगा।
फिर सत्ता को लेकर फिरोज के साथ किस तरह के झगड़े हुए, वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से फिरोज और इंदिरा अलग रहने लगे, फिर रिश्ते कैसे बीच में फिर पटरी पर आए, इंदिरा के बारे में फिरोज क्या क्या कहा करते थे, और फिरोज की मौत के बाद इंदिरा ने क्या कहा था, और इंदिरा और फिरोज की तकरार की कहानी फिर किसी वीडियो में। उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिलहाल अगर आपको ये प्रेम कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इंदिरा नेहरू या नेहरू परिवार से जुड़ा आपके दिमाग में कोई सवाल या जानकारी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।